हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। 14 अप्रैल 2022 आज का दिन है। आई होप ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। जिस तरह से कल का दिन बहुत ही मतलब एक यादगार दिन है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता था, 13 अप्रैल को, और किसी भारतवासी के द्वारा नहीं भुलाया जा सकेगा, वो दिन 1919 को जो कांड हुआ था, जालियांवाला बाग मसाकरे, वो हमें सभी के रग रग में जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा। ठीक उसी तरह से आज का दिन भी हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज है 14 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 14 अप्रैल, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है भीमराव अम्बेडकर जी साहब का। कौन है ये? ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के जनक इनको कहा जाता है, और यही थे जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माता है, ये ध्यान रखिएगा, संविधान को क्रिएट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी यही है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाना जाता है। देखिए, बहुत बड़ी सोच थी इनकी, और इन्हीं के द्वारा आज के डेट में जो भारत की सोवरेनिटी है, संप्रभुता जो है, जिसको हम लोग भारत के लिए जो संप्रभुता जो की हमारा संविधान है, उसको इन्होंने तैयार किया था। इनके द्वारा मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, यानी जो भेदभाव था उच्च नीच जाति का, इनके द्वारा खत्म करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। हमारे संविधान में हर एक चीज़ को समानता के बेसिस पर डिस्क्राइब किया गया है, ना कि कास्ट के बेसिस पर। ये ध्यान रख सकते हैं, ये सभी को समानता के अधिकार को बढ़ावा दिया जाता था, इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता था, और सभी को एक समान इनके द्वारा माना जाता था, और सभी को प्रेरणा भी देते थे कि हम सभी एक हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। बंधुत्व को, एकता को, अखंडता को इनके द्वारा प्रमोट किया जाता था, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, भाईचारे की भावना हम सभी के अंदर इनके द्वारा फैलाई गई थी, ताकि हम सब भी इनकी तरह, हम सब भी उन सभी आदर्शों को फॉलो करते हुए चलें, और हम सब भी एक दूसरे के साथ एकता के साथ रह सकें इस कंट्री भारत में। तो आज है अंबेडकर जयंती, भीम जयंती भी इसको कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ पर ये एक एनुअल फेस्टिवल है। इसका उद्देश्य क्या है? यह बी आर अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का ये वार्षिक उत्सव है, जिसको यहाँ पे हम सभी के द्वारा उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय पॉलीमैथ और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता की स्मृति को मनाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है, ये ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर जयंती के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। देख सकते हैं प्रीलिम्स को लेकर के आपका बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ये वाला पार्ट, जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस के ऊपर है, आधारित है। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूरल लोकल बॉडी फंड्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 5,911 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल आउटले है, जिसको अप्रूव किया गया है कैबिनेट की तरफ से, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? 2.78 लाख जो ग्रामीण लोग हैं, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करवाना है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलिए, आज का पहला होमवर्क आपका बताइए, SDG होमवर्क बताना है सभी लोग को। होमवर्क, देखिए होमवर्क करते हुए चलिए सभी लोग, होमवर्क आप लोग करते नहीं हैं, होमवर्क करें, बहुत कम लोगों के द्वारा होमवर्क किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास योजना का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य, टोटल लक्ष्य कितना है, ये आपको बताना है, और उसको टिल विच ईयर हमें उसको अचीव करना है, किस साल तक हमें उस गोल को अचीव करना है, ये आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, ये आपको बताते हुए चलना है, उसी को लेकर के आपको बताना है कि आपका आज का होमवर्क है। देखिए, होमवर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, देखिए होमवर्क बहुत से लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, सभी लोग क्लासेस अटेंड करते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते। जैसे लास्ट दिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अच्छा द हिंदू में होमवर्क नहीं दिया है मैंने लास्ट बार, चलिए कोई बात नहीं, अभी होमवर्क आज क्या कीजिएगा, सतत विकास योजना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लक्ष्य रखा गया है कि 2.78 लाख लोग जो हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचानी है। ये जो गैप है शहर और गांव का, उस गैप को यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करके इस योजना के तहत, ताकि पंचायती राज
जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम बढ़ावा दे सके, उसके विकास यानी गांव के विकास में एक एक नया मोड़ ला सके, ये यहाँ पे अनुराग ठाकुर के द्वारा ये सारी बात कही जा रही है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी बाद में ऐड किया कि सेंट्रल के तरफ से यहाँ पे 3,700 करोड़ रुपए यहाँ पे शेयर भी कर रहा है, ताकि इस तरह के गैप को जल्द से जल्द फुलफिल किया जा सके, इस योजना के तहत सभी को ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सके। सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य जो है उसको प्राप्ति करने को लेकर के यहाँ पे आपको फंड्स यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। $250 बिलियन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसके पहले आप देख सकते हैं, उसके पहले वाले साल में जो था जो वैल्यू थी वो $213 बिलियन की थी, जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू आती है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, देख सकते हैं। इसकी सूचना यहाँ पे पीयूष गोयल के द्वारा दी जा रही है, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उद्योग मंत्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये लो कॉस्ट सर्विस के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई जा रही है। ये टारगेट जो इनके द्वारा हर सेक्टर्स में अचीव किया गया है, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स ही क्यों ना हो, वो सभी ना सभी ये जो लो फैक्टर्स तो आपको देखने को मिलेगा पिछले साल के कंपैरिजन में, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर के वजह से ये आपका कम यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि पैंडेमिक से टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, जिसके वजह से ये एक्सपोर्ट्स वैल्यू जो है वो उसकी रेशियो जो है वो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वही डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फाइनल डाटा जल्द ही रिलीज किया जाएगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। 77 मिलियन गरीबी को लेकर के बात की जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब अवस्था से जूझ रहे हैं, 2021 का डेटा है ये, जो कि पैंडेमिक के वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएन की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया, 77 मिलियन, समझ सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 77 मिलियन आप समझ सकते हैं 770 लाख, 70 लाख, 7 करोड़ के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आगे बोला गया डेवलपिंग कंट्रीज का ही, यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया, रिपोर्ट की तरफ से बताया गया है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ऐसी हैं जो अब तक रिकवर नहीं हो पाई है इस पैंडेमिक से, जो अभी भी कर्ज में डूबी हुई है, और जो जो कर्ज जो ली थी महामारी के दौरान वो अभी तक उसको रिपे करते हुए चल रही है, यहाँ पे ये बात कही जाए। ऊपर से यहाँ पे आपका यूक्रेन का वार भी आप देखने को मिलेगा, यूक्रेन रशिया को लेकर के कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है मार्केट की, ये बात कही जा रही है। 812 मिलियन लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2019 में बहुत ही गरीब अवस्था से रहते थे 812, लेकिन ये आपका 77 मिलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2021 की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, 1.90 यहाँ पे डॉलर एक दिन या उससे कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उनके रहने के लिए उनके पास होता है ना, ये नंबर आपको 889 मिलियन डॉलर 2021 में बढ़ करके हो गई थी इस महामारी की वजह से, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। मैरिन्स सरेंडर की बात यहाँ पे कही जा रही है, 1026 यूक्रेनियन मैरिन्स आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने सरेंडर किया है पोर्ट में, यहाँ पे मरियुपोल में यूक्रेन में, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के, 36 मेरियन ब्रिगेड के, जहाँ पे 162 ऑफिसर्स हैं, उनके पास और कोई भी नहीं था, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से कोई भी कमेंट करने को लेकर के यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, रशिया सेड 151 वाउंडेड यूक्रेनियन सोल्जर वे ट्रीटेड ऑन द स्पॉट एंड टेकन टू मरियुपोल सिटी हॉस्पिटल, जिसमें से 151 यूक्रेनियन जो सोल्जर थे उनको ट्रीट करने के लिए मरियुपोल सिटी हॉस्पिटल में भेजा गया है, और ये सारे लोग जो हैं इनको सरेंडर किया गया। ठीक है, मिसलीडिंग द पब्लिक, पब्लिक को यहाँ पे मिसलीड करने की बात की जा रही, बहकाने की बात की जा रही, 302 मिलियन डॉलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया के अमाउंट में यहाँ पे ये कोर्ट को लेकर के ऑर्डर किया जा रहा है, जॉनसन जॉनसन टू पे अ पेनल्टीज फॉर डिसेप्टिवली मार्केटिंग पेल्विस मेस इम्प्लांट्स फॉर वुमेन आफ्टर अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट, जॉनसन जॉनसन अपील्ड इन 2020 आफ्टर सुपीरियर कोर्ट जस्ट एडी स्ट्रगल असेस टू $344 मिलियन इन पेनल्टीज अगेंस्ट जॉनसन जॉनसन सब्सिडरी इथकन, स्टर्जियन फाउंड द कंपनी गिल्टी एज इट मेड मिसलीडिंग एंड पोटेंशियली हार्मफुल स्टेटमेंट्स इन मैनी ऑफ इट्स एडवर्टीजमेंट फॉर नियरली 2 डिकेड, 2 दशक से जो गलत तरीके के स्टेटमेंट्स यहाँ पे हार्मफुल स्टेटमेंट्स यहाँ पे बैनर्स के रूप में एडवर्टीजमेंट के रूप में यहाँ पे मिसलीड करने के लिए यहाँ पे लोगों को यहाँ पे दी जा रही थी जॉनसन एंड जॉनसन सब्सिडरी के तरफ से, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पेनल्टीज यहाँ पे लगी है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, और वहीं यहाँ पे पेनल्टीज इनके ऊपर लगाया गया 302 बिलियन डॉलर का, ये ध्यान रखिएगा, ताकि पब्लिक को मिसलीड करने को लेकर के, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ध्यान रखिएगा, ये भी ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के तरफ से बोला जा रहा है कि 8% होने जा रही है
फिजिकल ईयर जो कि करंट में आपका जो फिजिकल ईयर चल रहा है उसमें जीडीपी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत जो है वो प्रोजेक्ट यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 8% आपको करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसमें ये देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर जो है वो ग्रोथ कितना देखने को मिलेगा 7.1% देखने को मिलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये वर्ल्ड बैंक के तरफ से बाई एनुअल साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स यहाँ पर जारी किया गया, उसी में ये बात कही जा रही है IMF स्प्रिंग मीटिंग के तहत। तो करंट कंट्री का 8.3% यहाँ पे फिजिकल ईयर में यहाँ पे बेसिकली नोटिस किया गया है, जबकि ये आपका उसी को लेकर के बात की जाए 8% तक यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रोजेक्शन किया गया, अनुमान लगाया गया है यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में -6.6 था, 2020 में, 2021 की बात करें तो 8.3 था, 2022 की बात करें तो 8 था, 2023-24 की बात करें तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है 8 और 7.1, ये ध्यान रख सकते हैं। श्रीलंका से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से, और श्रीलंका में देख सकते हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे एस्टिमेटेड हैं और ये फॉरकास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनुमान लगाया गया है और ये आपका फॉरकास्ट बताया जा रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है डेवलपमेंट, आपको ग्रोथ साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लो रेट में ये आपका ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बताया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा फाइनेंशियल ईयर 22 का ग्रोथ कितना था 67 के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 67 BPSC देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताइएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय कुमार देव दिल्ली चीफ सेक्रेटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गार्ड ऑफ ऑनर इनको यहाँ पे दिया जा रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि बिल्डिंग रिजिलिएंट कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे सिविल डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स इन दिल्ली में वेडनेसडे को यहाँ पे विजय कुमार देव जो कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनको गार्ड ऑफ ऑनर क्लोनिंग सेरेमनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटी सिविल डिफेंस में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं असम वुमेन आपको यहाँ पे बिहू, बिहू यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ का फेमस डांस है, जो रीजनल डांस है वो आप देख सकते हैं, रंगोली बिहू इन सोनापुर, सोनापुर में ये आपको देखने को मिलेगा बुधवार को यहाँ की महिलाओं के द्वारा। ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पहली मंथ में असमिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, असम के न्यू ईयर बेसिकली में। तो ये फेस्टिवल ऑल्सो कोइंसाइड विद द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन के शुरुआत में उसके शुरुआत में भी ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है असमीज के द्वारा, असम लोगों के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देख सकते हैं समर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, आप देख सकते हैं तापमान कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको वही देखने को मिलेगा बेंगलुरु में इससे थोड़ी राहत मिलते हुए बारिश होते हुए, आफ्टरनून का न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बेंगलोर को थोड़ा सा हीट से राहत मिली है वहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, 2+2 डायलॉग, इसके बारे में कितने रोज हम लोग कम से कम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी US के साथ हम लोगों ने इसको 2+2 डायलॉग किया था, यहाँ पे नॉट डिस्कस यानी मानव अधिकार के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया, मानव अधिकार क्योंकि हमारे हम ये सबसे बेसिक राइट्स है, सबसे मूल अधिकार है ये मानव अधिकार। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा हमारे संविधान में जो मानव अधिकार बेसिक राइट जनरली किसको कहा जाता है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स वो आपको बताना है हमारे संविधान में किस भाग में इसके बारे में जिक्र किया गया पार्ट, और किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया, वो आर्टिकल बताना है आपको, भाग और अनुच्छेद। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इसको हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फ्रॉम विच कंट्री, इस अधिकार को हम लोगों ने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, हो जाएगा होमवर्क, ये आपको बताना है मौलिक अधिकार के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे कंट्री के तरफ से बेसिकली डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स बेसिकली इसमें भाग लेते हैं, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस जयशंकर, ही वॉज क्वाइट क्लियर अबाउट इंडियाज इंटरेस्ट ऑन सच इशूज, तो भारत की तरफ से ये काफी साफ कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से क्लियर हैं अपने मुद्दों को लेकर के, एस जयशंकर की तरफ से यहाँ पे बोला गया है कोई भी डिस्कशन यहाँ पे मानव अधिकार को लेकर के नहीं हुआ है भारत में, ये इंडिया US डायलॉग को लेकर के 2+2 डायलॉग जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा,
कहाँ पे, वाशिंगटन में, मंडे को ये आपको यहाँ पे हो रहा था, उसी में इनके द्वारा ये बात कही जा रही है। फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे भाग लेते हैं दोनों कंट्रियों के, ठीक है। नो वी डिड नॉट डिस्कस ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग दिस मीटिंग, साफ साफ बोला जा रहा है जयशंकर की तरफ से कि हम लोगों ने मानवाधिकार के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। एक प्रेस इंटरेक्शन में इंडिया मीडिया को यहाँ पे वेडनेसडे को ये रिपोर्ट में बताते हुए देख सकते हैं, टॉपिक हैड कम अप, मिनिस्टर के द्वारा ये बात बोली गई है कि इस तरह के इशू हैव बीन डिस्कस्ड इन द पास्ट सच एज ड्यूरिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकर्स विजिट टू न्यू दिल्ली लास्ट ईयर। इस तरह के ऊपर, इस तरह के मुद्दों पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था, लेकिन ये मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन यूएस से कब किया था, लास्ट ईयर किया था, जब स्टेट के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन्स भारत के दौरे पर थे, न्यू दिल्ली के दौरे पर थे, तब हम लोग ने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। लेकिन अभी जो 2+2 डायलॉग हो रहा है, इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को मंडे को यहाँ पे ब्लिंकन के बारे में यहाँ पे बताया गया, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, इश्यूज को लेकर के भारत में जो है उसको लेकर के बात कही गई है। ब्लिंकन के द्वारा क्या बोला गया, वी रेगुलरली इंगेज विद आवर इंडियन पार्टनर्स ऑन दिस शेयर्ड वैल्यूज, तो शेयर्ड वैल्यूज को लेकर के हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंगेज है भारत के साथ, भारत पार्टनर के साथ। एंड टू दैट एंड वी आर मॉनिटरिंग सम रिसेंट कंसर्निंग डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग राइज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस बाय सम गवर्नमेंट पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स। लुक पीपल आर एंटाइटल्ड टू हैव व्यूज अबाउट अस, मिस्टर जयशंकर के द्वारा ये बात कही जा रही है, प्रेस इंटरेक्शन के साथ ये बात कही गई। बट वी आर ऑल्सो इक्वली इंटाइटल्ड टू हैव व्यूज अबाउट देयर व्यूज एंड अबाउट द इंटरेस्ट एंड द लॉबीज एंड द वोट बैंक्स विद राइट दैट, सो वेन एवर देयर इज अ डिस्कशन आई कैन टेल यू दैट वी विल नॉट बी रेटिसेंट अबाउट स्पीकिंग अप, हम लोग नहीं चुप बैठेंगे बात करने को लेकर के, जयशंकर के द्वारा बोला गया। अगली बार अगर कभी भी कोई भी डिस्कशन होता है तो हम पीछे नहीं रहेंगे इस मुद्दे को उठाने को लेकर के, ह्यूमन राइट्स इश्यूज को उठाने को लेकर के यूएस के साथ, स्पेशली दे पर्टेन टू द इंडियन कम्युनिटी, जब भारत के समुदाय को लेकर के बात आएगी। तो ग्रोइंग रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही है, हैरासमेंट जो मिनोरिटीज़ के साथ जो होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमोलिशन जो उनके साथ होता है, घर वगैरह गिराए जाते हैं उनको, रामनवमी प्रोसेशन मध्य प्रदेश में हो गया, या रिपोर्ट्स जो आपको देखने को मिलेगा उनको के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उन सभी बातों पर यहाँ पे डिस्कशन होगा। इन अ लेटर सेगमेंट ऑफ रिमार्क्स एट वेडनेसडे प्रेस इंटरेक्शन वेयर ही वर डिस्क्राइबिंग हिज परसेप्शन ऑफ अ गैप बिटवीन द पब्लिक नैरेटिव्स एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पोजिशन, ये मिस्टर जयशंकर के द्वारा बोला जा रहा है कि वेस्ट वेडनेसडे को जो प्रेस इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था पब्लिक नैरेटिव और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बीच में जो गैप है, उस गैप्स को लेकर के यहाँ पे, उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम लोगों ने इस मुद्दे को वहाँ पे भी डिस्कस किया था। भारत किस जगह पर, भारत की पोजीशनिंग क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करने को लेकर के हम लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया था, मिलिट्री को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, इवन ह्यूमन राइट्स को लेकर के इशूज़ को जो हम लोग वहाँ पे क्लियर, जो कि हम पूरी तरह से क्लियर है उसके ऊपर इंटरेस्ट को लेकर के हम रह गए बात करने को लेकर के। नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मिलिट्री के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में, इवन की ह्यूमन राइट्स को लेकर के हमारे मुद्दे काफ़ी क्लियर है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग आउट ऑन डैट, मैं पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस मुद्दे पर डिस्कशन करने को लेकर के। आई थिंक वी कैन होल्ड आवर ऑन एंड आई डोंट थिंक वी हैव एनी थिंग टू बी डिफेंसिव अबाउट इन एनी ऑफ दिस रिस्पेक्ट, यानी हमें नहीं लगता कि हमारे पास कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको हम, हमें लगता है कि हमें डिफेंड करना चाहिए इन सभी मुद्दों को लेकर के, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो ह्यूमन राइट्स नॉट डिस्कस्ड उसी को लेकर के एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इंडिया और यूएस के एम्बेसडर तरनजीत सिंह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रेस मीटिंग वाशिंगटन में ही आपकी हुई है, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं। हाउस पैनल डेलिबरेशन ऑन बिल टू राइज मैरिज एज फॉर वुमेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं बात कही जा रही है, मैरिज एज महिलाओं को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है बढ़ाने को लेकर के, एक बिल को पास करने को लेकर के। बिल वाज रेफर टू द कमेटी फॉलोइंग कॉल्स फॉर ग्रेटर स्क्रूटनी, तो यहाँ पे बिल जो है वो रेफर किया गया समिति को, इसके ऊपर कॉल करने को लेकर के, निर्णय लेने को लेकर के। वी नीड टू ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री, हमें पूरे देश में भ्रमण करने की जरूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर अर्बन एंड रूरल डाइवर्सिटीज, जो चाहे वो शहर का हो या गांव के विविधीकरण हो, उन सभी जगह पे हमें जाने की जरूरत है। टू मीट वुमेन गर्ल्स पेरेंट्स एक्टिविस्ट, ताकि हम महिलाओं से,
लड़कियों से, उनके परिवारों से, उनके पेरेंट्स से, कार्यकर्ताओं से, रिसर्चर से, शोधकर्ताओं से जो जेंडर इशू पे वर्क करते हैं, उनके ऊपर हम लोग, उनसे हम लोग राय ले सकते हैं। वी नीड टू हैव अ फर्स्ट पर्सन कंसल्टेशन विद देम टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। हमें सबसे पहले उन लोगों के चिंताओं को लेकर के, कंसर्न को लेकर के हमें पता होना चाहिए। जब तक हम उन सभी लोगों से उसकी राय को लेकर के हम नहीं लेंगे, जब तक एक रिसर्च नहीं होगा, जब तक एक प्राइमरी लेवल पे डिस्कशन नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे डिस्कशन नहीं होगा, चाहे वो शहर के लोगों के साथ हो या गांव के लोगों के साथ हो, तब तक यहाँ पे कोई भी हम लोग बिल वगैरह नहीं ला सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क यहाँ पे दिया गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को लेकर के किस तरह से हम इसको खत्म कर सके। बिल जो पास किया गया था 2021 को, विच प्रपोज टू राइज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21 फ्रॉम 18 ईयर, जहाँ पे ये बोला गया है कि महिलाओं की उम्र को है हमें 18 से क्या करना है, बढ़ा करके 21 करना है। इसको लेकर के इसके ऊपर मीटिंग हुई है वेडनेसडे को, ये ध्यान रखिएगा। सोर्सेस की बात करें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन यूथ एंड स्पोर्ट्स हेडेड बाई बीजेपी एमपी विनय सहस्रबुद्धे मेड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन जून 2020, जो यहाँ पे मिले हैं उन टास्क फोर्स से जिनका गठन जून 2020 में किया गया था, उनसे, उनके तरफ से रिकमेंड किया गया राइजिंग द एज ऑफ मैरिज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर्स एंड बेबीज, टू कर्व इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। तो यहाँ पे एक तरह से राइज करने की बात यहाँ पे की जा रही महिलाओं के एज को लेकर के, ताकि उनके पोषण से रिलेटेड जो स्टेटस है वो बढ़ सके, बेबीज को, इन्फेंट को, जो कंसीव करने को लेकर के जो आपका स्टेटस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक फ्रूटफुल हो सके, मोर्टेलिटी रेट्स कम हो सके। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टास्क फोर्स रिकमेंडेड डेट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंटीट्यू, इसी उन्हीं के आधार पर यहाँ पे इनके द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में लास्ट दिसंबर को, यहाँ पे इस कमेटी के तरफ से रेफर किया गया था कि हम बेसिकली क्या कर सकें, हम एज बढ़ाने को लेकर के 18 से 21 करने को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। उसी को लेकर के ये मुद्दा है यहाँ पे चल रहा है, बिल को लेकर के यहाँ पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि 18 से 21 वर्ष महिलाओं की शादी की उम्र यहाँ पे कर दी जा सके, ये ध्यान रखिएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा नॉर्म्स यहाँ पे जारी किया गया स्टूडेंट्स के लिए, ताकि दो प्रोग्राम को वो एक साथ कर सके, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अदर देन PhD को लेकर के बात की जा रही है, तो यहाँ पे इनके द्वारा जारी किया गया ताकि ये क्या कर सके, गाइडलाइन को यहाँ पे जारी किया गया ताकि लो स्टूडेंट टू परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय और स्टेचुअरी काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारी बात कही जा रही है। UGC नोटिफिकेशन द गाइडलाइंस कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम वेडनेसडे बेस्ड ऑन विच यूनिवर्सिटी कैन नाउ डिवाइज मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैचुअरी बॉडीज टू अलाउ स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर टू कोर्सेज समेट, मतलब एक साथ दो कोर्सेज करने को लेकर के यहाँ पे ये बातें यहाँ पे कही जा रही है UGC के तरफ से, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है, PhD के अलावा या तो वो एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं या तो दो प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑप्शनल यहाँ पे दिया जाएगा हायर एजुकेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने को लेकर के, ठीक है। UGC के तरफ से स्टूडेंट्स को बोला गया है कि इसके ऊपर बेनिफिट्स भी हैं, तो गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन PhD। ये गाइडलाइन जो यहाँ पे जारी किया गया जिसे एकेडमिक प्रोग्राम्स को लेकर के जारी किया गया, PhD को लेकर के जारी नहीं किया गया। ये वाइस चांसलर के पास जब ये लेटर भेजा गया था तो उसमें ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। हायर एजुकेशन को लेकर के UGC सेक्रेटरी रजनीश जैन के तरफ से भी यहाँ पे बोला गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर के, ये भी हमें एक नया रास्ता दे रहा है ताकि हम अपने लर्निंग को और इम्प्रोवाइज कर सकें, फॉर्मल कर सकें और इस लर्निंग को और अच्छा बेहतर बना सकें, ठीक है। उसी को लेकर के बात कही जा रही है UGC के तरफ से, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया दो प्रोग्राम को एक साथ यहाँ पे कवर करने को लेकर के, ठीक है, अदर देन PhD, ठीक है। तो ये भारत का मैप आप देख सकते हैं, बिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे लोकेशन आप देख सकते हैं, मेघालय, सिक्किम। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर अब यहाँ पे 7% क्रॉस करने जा रही है, 7% स्टिल सितंबर तक। देखिए महंगाई दर कितना होना चाहिए, मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आपका
2 से 6% होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7% होने वाला है 7 सितंबर तक। बहुत तेज़ी से महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है, फूड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एसबीआई इकोनॉमिक्स की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया। तो अभी आप देख सकते हैं महंगाई दर की बात करें तो 6.95% यहाँ पे मार्च में आपको देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये आपका क्रॉस करेगा 7% को। एसबीआई इकोनॉमिक्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया 2022-23 का इन्फ्लेशन रेट इनके तरफ से फॉरकास्ट किया गया है, यानी प्रसारित किया गया है, यहाँ पे अनुमान लगाया गया है 6.5% होने का 5.8% से। ये पॉसिबिलिटी है, ये इसको और एक्सटेंड करेगा भी और ये 7% तक पहुँच भी सकेगा। ठीक है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी सोमिया कांति घोष के द्वारा ये बात कही जा रही है। ये इन्फ्लेशन रेट 7% के ऊपर जाने वाला है, इसकी जानकारी यहाँ पे इनके द्वारा दी जा रही है। महंगाई बढ़ने वाला है सितंबर तक, 7% यहाँ पे रहेगा इन्फ्लेशन रेट, इसकी बात यहाँ पे, इसकी घोषणा यहाँ पे की जा रही है। किसके द्वारा? सोमिया कांति घोष के द्वारा, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओबीसी एंटरप्रेन्योर्स के लिए 30% तक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया एमएसएमई सेक्टर से लगभग 80.1 से लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा कंट्री में आपको यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 को यहाँ पे एमएसएमई के द्वारा, जो कि ओबीसी की तरफ से ऑन किया गया था, 23 लाख यूनिट आप देख सकते हैं 80 लाख में, जो कि देश भर का ओबीसी ओन्ड यूनिट है। 41% यहाँ पे लोकेटेड है 3 स्टेट्स को मिलाकर के, तमिलनाडु 14%, साई 14, महाराष्ट्र 14.4%, राजस्थान 12.4%। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओन्ड यूनिट है। ठीक है, एमएसएमई डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे कमीशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स को लेकर के। अकॉर्डिंग टू द सोशल कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, द जनरल कैटेगरी अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट शेयर फॉर द एमएसएमई यूनिट्स विद 61.8%। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे इनकी तरफ से शेयर्स को लेकर के बात कही जा रही है। तो ओबीसी एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमिता जो है, वो 30% का शेयर्स आपको देखने को मिलेगा एमएसएमई के सेक्टर में। 80.16 लाख आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा कंट्री में, ये आपको देखने ओबीसी एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे फंड को लेकर के मदद मांग रहा है, श्रीलंका पूरी तरह से जूझ रहा है, सफर कर रहा है फंड्स की कमी को लेकर के। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्प्रिंग मीटिंग में वाशिंगटन नेक्स्ट वीक, श्रीलंका इज सीकिंग इंडियाज असिस्टेंस इन गार्नरिंग एटलीस्ट $3 बिलियन इन ब्रिजिंग फाइनेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो यहाँ पे भारत की मदद यहाँ पे चाहता है $3 बिलियन को लेकर के, फाइनेंस को यहाँ पे ब्रिज कर सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी जगह बना सके। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, निर्मला सीतारमन जी के साथ वेडनेसडे को श्रीलंका के हाई कमिश्नर इंडिया, जो इंडिया आए हुए हैं, मिलिंडा मुरागोडा थैंक यहाँ पे भारत को कर रहे हैं। $2.4 बिलियन जो कि क्रेडिट लाइन पे दिया है उन्होंने, खाना, ईंधन और दवाइयों को लेकर के, और एज वेल एज डेप्थ वीवर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में डेप्थ भी यहाँ पे इनके द्वारा दिया गया। मिलिंदा मुरागोंडा निर्मला सीतारमन के साथ मीटिंग करते हुए वेडनेसडे को हाई कमिश्नर के द्वारा और सीतारमन के बीच में डिस्कशन हुआ है कि इंडिया किस तरह से मदद कर सकता है श्रीलंका को लेकर के, ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिल सके फाइनेंस को लेकर के। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द्विपक्षीय मल्टीलेटरल पार्टनर यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्रीलंका के तरफ से ये भी बात बोली जा रही है कि एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्हेंसिंग एंड स्ट्रक्चरिंग सम ऑफ द असिस्टेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई इंडिया इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड फ्यूज एल वेल बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। तो भारत की तरफ से जो भी मदद यहाँ पे की जा रही है, जिसके वजह से यहाँ पे खाना, ईंधन, दवाइयाँ वगैरह समय पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसको लेकर के थैंक कह रही है, कह रहा है भारत को, ये ध्यान रखिएगा। निर्मला सीतारमन एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द ह्यूमनिटेरियन कॉस्ट, यहाँ पे मानवतावादी कॉस्ट को लेकर के इनके द्वारा बताया जा रहा है। आर्थिक क्राइसिस से जो जूझ रहा है इंडिया, हमेशा श्रीलंका के साथ स्टैंड रहेगा उनके सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने को लेकर के, ये भी बात यहाँ पे निर्मला सीतारमण की तरफ से बोली जा रही है। और उनके तरफ से ये भी सांत्वना दिया जा रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जो भी सहायता मिलेगी भारत आपको करने के लिए तैयार है, आपको किसी भी तरह कर से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिट यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था न्यू दिल्ली की तरफ से जनवरी में, देख सकते हैं अब तक टोटल $1.5 बिलियन यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट यहाँ पे $400 मिलियन का हो चुका है, गवर्नमेंट ने एग्री किया है पेंडिंग रिक्वेस्ट को लेकर के श्रीलंका से, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
तो उसी से रिलेटेड है। श्रीलंका पूरी तरह से आप देख सकते हैं, श्रीलंका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, दिस इज श्रीलंका, ठीक है। ये फाइनल इमरजेंसी से गुजर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगी हुई है, यहाँ पे आपातकाल की सिचुएशन बनी हुई है। ये ध्यान रखिए, यहाँ के लोग जो हैं वो राष्ट्रपति से उनके रिज़ाइन को लेकर के अपील कर रहे हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये होमवर्क है आपका आज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम विश्वेश्वरैया, यहाँ पे नॉलेज को लेकर के यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये फोटोग्राफ जो लिया गया 14 जनवरी 1953 को लिया गया था, जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनॉग्रेटेड नेशनल लैब CECRI एट कराईकुडी। तो आपको बताना है, तो आइडेंटिफाई द मैन टू हिज राइट, आप यहाँ देख सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने को लेकर के पूछ रहा है कि इनके साथ कौन है। बाकी ये सारे क्वेश्चन है उस टाइम के, ये भी आपको आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, PSC जर्नी आपको देखने को मिलेगा, इसको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये डिस्कशन का है, तो इसको भी डिस्कशन कर लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये PDFs के प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 3 PDFs के प्राइसेस यहाँ पे 299 है, बाकी बिहार करेंट अफेयर 149, करेंट अफेयर 399। तो इन PDF को के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ पे पेमेंट आपको करने बता दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपको ये सारे PDF मिलते हुए चलेंगे, डेट वाइज ये सारे, ये तो डेट वाइज आपको मिल रहा है, ऊपर के 3 जो जो PDF ले चुके हैं उनको यहाँ पे डेट वाइज मिल रहा है। तो अगर आपने नहीं लिया है, देर किस बात की, पूरे मंथ का सिर्फ 299, आप देख सकते हैं कितना कम प्राइस आपके यहाँ पे है, क्योंकि ये 3 PDF सिर्फ आपको 299 में मिल रहा है। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो ले सकते हैं यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करने के बाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जल्द से जल्द इसको 1000 क्रॉस करवाएं, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा नीचे में, उसको प्रेस करके इसको व्हाइट कर दीजिए। और PSC Journey 4 पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी डिस्क्रिप्शन में सोशल अकाउंट है, आप वहाँ से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल, पिन पे भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारे अपडेट्स वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।